तो सर जैसे आप आपका मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखा है, तो सर आप अपने बारे में कुछ बताएं। यार। हाँ, उस टाइम जिस टाइम मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा था, ठीक है, कुछ महीना पढ़ाया, क्योंकि तो उस टाइम मैं खुद भी सीख रहा था बहुत। उस टाइम मैं 5 से 6 महीने से सीख रहा था। फिर उन्होंने, चलो लोगों को, कुछ लोगों को स्टार्टिंग बैच को पढ़ाया जाए, ठीक है। तो वो एक दौर था, उसके पहले अलग कहानी थी। उसके पहले यूट्यूब में मेरा मेनली स्टार्टिंग, अगर मैं बोलूँ इनकम वाइज, मेरा जैसे जब मेरा इंजीनियरिंग पास हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया कंप्लीट, और उसके बाद 1 साल में फिर कंपटीशन एग्जाम का तैयारी किया आईआईटी एडमिशन लेने के लिए एमटेक में। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा नंबर्स की वजह से जो कॉलेज चाहिए था वो मिल नहीं पाया, और जब वो नहीं मिल पाया तो मुझे फिर इंटरेस्ट नहीं रह गया एमटेक करने में। फिर भी घर वालों एक था कि चलो यार एमटेक कर लो, और कॉलेज वालों जिससे मैं ऐसा था कि चलो कॉलेज नहीं भी जाएंगे तो एमटेक हो जाएगा, और कहीं एक स्टाइपेंड मनी मिल रहा था 12,000 का, तो एक बाहर जो हम लोग घर से रह रहे थे तो एक सपोर्ट हो जाता कि चलो यार 12,000 महीना मिल रहा है तो अपन बाहर कम से कम बाहर के जितने भी एक्सपेंस है वो बियर कर सकते। तो मैंने चलो एमटेक ज्वाइन कर लेता हूँ, एग्जाम देने बस जाना है, तो वो क्योंकि गेट क्वालिफाइड था तो वो कर लिया। उसके बाद अब पैसिव इनकम के बारे में सोचने की बारी थी, तो मैं क्योंकि उस टाइम मेरा एप्टीट्यूड रीजनिंग ये सब अच्छा था, तो मैंने एक चैनल चालू किया बैंक ज्ञान, बैंक एसएससी वालों के लिए, और मैं बैंक का तैयारी भी कर ही रहा था बैकग्राउंड में, तो वो चालू किया। फिर उसके बाद हम लोग कुछ ही महीना में उसका कोर्स सेल करने लगे, और भी टीचर्स मेरे साथ में मैंने हायर किए, वो ज्वाइन किए, और लगभग 2 साल तक हमने बैंक ज्ञान का कोर्स सेल किया। और जब कोर्स सेल किया उस टाइम तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, बट मेरा जब फाइनल ईयर जब पहुंचा ना एमटेक का, तो फाइनल ईयर में एक्चुअली क्या हुआ कि प्रोजेक्ट में जो 6 महीना होता है वो प्रोजेक्ट बनाने में जाता है, तो उस टाइम मेरा चैनल में मैं ध्यान ही नहीं लगा, और मुझे उतना एक्सपोजर भी नहीं था कि यूट्यूब एक करियर की तरह हम लोग देख सकते, क्योंकि 2000 अगर मैं 16 की बात करूँ जिस टाइम में बैंक ज्ञान चल रहा था मेरे, उस टाइम नए नए लोग एजुकेशन फील्ड पे आए थे और एक दो चैनल ही थे जो अच्छा कर रहे थे, उसमें मेरा चैनल भी था, तो उस टाइम मैं तो सोच नहीं पाया कि यार यूट्यूब से भी मैं करियर करके इसको इनकम वाइज या अच्छा लाइफ टाइम इसको देख सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम जियो नया नया ही आया था और मैं उतना अवेयरनेस नहीं था, और ये था कि नहीं यार कुछ प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब कुछ पैसे इनकम करेंगे, बट यूट्यूब एक साइड तरीके का ही मैं देखता, लेकिन वो जब 6 महीना छूटा ना तो वो चैनल पूरा डेड हो गया। ठीक है, डेड होने के बाद एक और चैनल चालू किया, एक मेरा दोस्त आया हुआ था तुषार करके, वो बोला कि यार मैं सीजीपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, तेरा भी एप्टीट्यूड अच्छा है, तेरे को यूट्यूब का एक्सपीरियंस है, एक नया चैनल और चालू करते हैं सीजीपीएससी ज्ञान। तो वो हम लोगों ने चालू किया, बैंक ज्ञान को हमने 1.5 लाख पे छोड़ा था, इसको फिर से हमने 3 महीने के अंदर 1 लाख पहुंचा दिया, क्या तीन बात। महीना छह 3 से 4 महीना में 1 लाख पहुंच गया था। तो उस टाइम क्या है कि हम भी लोगों का चैनल, हम लोगों को पता था, हम लोग देखो मेरे को यूट्यूब का पूरा गणित पता था कि किस तरीके से इसको डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो बाकी जितने लोग सीजीपीएससी का चैनल चला रहे थे वो सारे लोग 1 महीने में पीछे हो गए थे, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े पेजेस का यूज किए, उसके एडमिन को हम लोग किए, तो वहां पर से हम लोग को अच्छा बूस्ट मिला और हमारे पास अच्छे टीचर्स भी थे, तो उसमें फिर 1.5-2 साल का वो सिलसिला चल रहा, और यूट्यूब में सीजीपीएससी ज्ञान आज भी है, और उस चैनल पे भले अभी वहां पे मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि मैं किसी और बिजनेस पे इन्वॉल्व हूँ, तो मैंने किसी और फिर हाँ उस टाइम से यूट्यूब कम्युनिटी फॉर्म हुआ और बहुत सारे इवेंट्स हुए, तो बड़े यूट्यूबर्स से मेरा एक्सपोजर मुझे मिला, तो मैं दिल्ली मुंबई चला गया इवेंट करने, ऑफिशियल यूट्यूब इंडिया का भी इवेंट किया, और यूट्यूब फैनफेस्ट अटेंड करने के बाद तो और बड़े यूट्यूबर से परिचय हो गया, तो उनके साथ काम किया, फिर एक प्रोजेक्ट को लेके थोड़ा सा मुझे मेरा दिल्ली में थोड़ा कुछ पंगा हुआ, तो वहां पे चीजें डाउन चली गई, वहां पे चीजें ऐसे थी कि जो पैसा मैंने प्रोजेक्ट पे लगाया हुआ था वो पूरा पूरा चला गया, बहुत कम पैसे बचे, फिर मैंने चलो यार दिल्ली में उतना मंडी नहीं लग रहा है क्योंकि वहां पे अपने लोग नहीं है, वो एक क्राउड में कीड़े मकोड़ों की तरह रहने जैसा सिचुएशन था, तो मैं वापस आ गया भिलाई में, चलो भिलाई में कुछ करेंगे और डिजिटल में कहीं भी कुछ कर सकते हैं, तो भिलाई में वापस आ गया, फिर डिजिटल मार्केटिंग में और नॉलेज गेन करने लग गया, और फिर एक बिजनेस मिल गया, फिर उसको यूट्यूब के साथ जोड़ के, सिक्योरिटी सिस्टम का जो अपना बिजनेस से भी चल रहा है उसको यूट्यूब के साथ ही, मतलब कुछ ना कुछ करेंगे यूट्यूब के साथ जुड़ के, डिजिटल जनरेशन मतलब जुड़ के ही कुछ करना है, तो वो बिजनेस को अपन यूट्यूब के साथ जुड़ के, फेसबुक के साथ जोड़ के, वहां से क्राउड और लीड जनरेट करके अभी अच्छा खासा डीलर नेटवर्क हम लोगों ने बना लिया उस प्रोडक्ट का, और मैन्युफैक्चरिंग भी हमारा खुद का है, तो वो बिजनेस जबरदस्त चल रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, अपना चैनल भी चल रहा है, और अभी एक मेरा नया चैनल ओपन करने का प्लानिंग है जिसमें मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताऊंगा, और पैसिव इनकम, हर हर यूथ पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकता है उसके बारे में बताऊंगा, उस चैनल का नाम है लाइफ ऑफ चॉइस, अभी तो मैंने ये सोचा हुआ है, और बाद में हो सकता है किताब चेंज हो जाए,
लेकिन अगर आप इस यूट्यूब इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो लाइफ ऑफ चॉइस एक बार बीच में जरूर सर्च कर लीजिएगा। जरूर सर।